जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सिद्धाम वृंदावन से, आपका अपना चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की बात करने वाले हैं आपके सामने मीन राशि की। मीन राशि पर इस समय कौन सा शनि का पाया चल रहा है, उस पाए का आपको क्या परिणाम प्राप्त होने वाला है, आपको पाया लाभ देगा या आपको नुकसान करेगा, इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। शनि महाराज पिछले 29 जून से बकरी अवस्था में चल रहे थे और अभी 15 नवंबर, आज 15 तारीख है जब मैं ये प्रोग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, आज 15 तारीख को शाम को 7:50 पर शनि देव मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का मतलब होता है जो टेढ़ी चाल चल रहे थे उसे सीधी चाल हो जाएगी शनि महाराज की। जब सीधी चाल हो जाएगी तो जो परिणाम आपके साथ अच्छे नहीं आ रहे थे, दुखद आ रहे थे, आप परेशान थे, वो सब के सब आपके जो समस्याएं थी वो स्वतः धीरे धीरे सब समाप्त होने लग जाएंगी आज के बाद से। मीन राशि के लिए इस समय शनि का जो पाया है वो चांदी का पाया आज शाम को 7:50 से शुरू हो जाएगा। कुंडली में जो पाया होता है, सोने का जो पाया होता है, जब चंद्रमा जन्म लग्न से या जन्म कुंडली से पहले भाव में, छठे भाव में, ग्यारहवें भाव में गोचर करता है, सोने का पाया होता है। चांदी का पाया बनता है जब चंद्रमा दूसरे भाव में, पांचवें भाव में और नाइन्थ हाउस में गोचर करता है तो चांदी का पाया बनता है। तीसरा भाव, सातवां भाव, दसवां भाव जब इसमें चंद्रमा जन्म लग्न जन्म कुंडली से आपका गोचर करता है तो तांबे का पाया बनता है। और फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस, इन तीनों भावों में 4, 8, 12 में जब चंद्रमा गोचर करता है तो लोहे का पाया बनता है। तो आज जो बात कर रहे हैं वो मीन राशि कर रहे हैं। मीन राशि से चंद्रमा सेकेंड हाउस में यानी मेष राशि में द्वितीय भाव में मीन लग्न से बैठे हुए हैं, तो दूसरे भाव में बैठने का मतलब है कि वहाँ चांदी का पाया। और चांदी का जो पाया होता है वो सभी पायों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि चांदी होती है मन को शांत करने वाली, ठंडी होती है चांदी तो ये मन को शांत करती है। और जो इसका जो रंग होता है सफ़ेद, वो चंद्रमा की चांदनी जैसा इसका रंग बताया है चांदी का, तो उससे दिमाग को आप शांति मिलती है। आप एक चीज़ नोट करिए, दिन में सूर्य की गर्मी होती है अगर आप उसके अंदर खड़े हैं तो आपको कैसा महसूस होगा, और रात को जब चंद्रमा पूर्ण अपने यौवन पर होता है पूर्णमासी के आसपास, जब उसकी जो चांदनी है, जो शीतलता आपको प्राप्त होती है, वो आपको कैसी महसूस होगी आप खुद अंतर समझ जाएंगे। तो चंद्रमा जो शीतलता देता है वही शीतलता आपको चांदी का पाया देता है, क्योंकि तो इसका संबंध चंद्रमा से होता है, तो शीतलता हमें जो मिलती है वो चांदी के पैसे मिलती है। तो आपका जो चंद्रमा है वो सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव में आपके लग्न से बैठा हुआ है, और द्वितीय भाव होता है धन का, द्वितीय भाव होता है परिवार का, कुटुंब का, द्वितीय भाव होता है हमारी वाणी का। तो ज़्यादातर हम इन्हीं चीज़ों का दूसरे भाव से विचार करते हैं। तो जैसे ही शनि शाम को 7:50 पे मार्गी होंगे, आपकी जो परिस्थिति है जो पिछले कई महीनों से आपके साथ चल रही थी, साल डेढ़ साल से चल रही थी, साल भर से, उन परिस्थितियों में आपको सुधार आने लग जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक आपको सुधार आने लग जाएगा। रास्ता नहीं मिलता था आपको, रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। चांदी का जब चंद्रमा या चांदी का जो पैर होता है, पाया होता है, पाद होता है, तो इससे आपके जो कार्य हैं हर काम आपका आसान हो जाता है, रिद्धि सिद्धि की आपको प्राप्ति होती है। मीन राशि का स्वामी गुरु बहुत बड़ा विद्वान ग्रह है,
तो ऐसे जो जातक मीन राशि वाले जो एस्ट्रोलॉजर हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, जज हैं, बड़े राजनेता हैं, बड़े सरकारी अफसर किसी पद पर बैठे हुए हैं, या बड़े बड़े जो मठों के मठाधीश होते हैं, बड़े बड़े जो विद्वान पंडित हैं, कर्मकांडी ज्योतिष के विद्वान हैं, इसी राशि के अंतर्गत ज़्यादातर लोग आते हैं। तो वो जो लोग ये जो काम करते हैं, जो आपको मैंने प्रोफेशन बताया है, तो ऐसे लोगों के लिए चांदी का पाया बहुत ही उत्तम प्रभाव देने वाला है। अब ये चांदी का पाया कहाँ से आया, इसके बारे में तो आपको बताना पड़ेगा ना। आप कहेंगे जी आपने तो वैसे ही कह दिया चांदी का पाया है। 17 जनवरी 2023 को जब शनि महाराज मकर राशि से कुंभ राशि में उन्होंने स्थान परिवर्तन किया था, तो उस समय जो संध्या समय उनका स्थान परिवर्तन हुआ था, तो उस समय जो चंद्रमा की स्थिति थी वो वृश्चिक राशि में थी। वृश्चिक राशि मीन राशि से नवम भाव में पड़ती है, तो उस समय भी मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा का पाया था। और आज जब ये 15 नवंबर को शनि महाराज बकरी अवस्था से मार्गी में आ रहे हैं, तो आज दूसरे भाव में चंद्रमा है, तो यहाँ भी चांदी का पाया बनता है। चांदी का पाया दूसरे भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में चंद्रमा होने से बनता है, उस समय भी था और आज भी है। तो आज बात करते हैं कि ये आपको क्या क्या लाभ देगा, आपको क्या क्या आपको नुकसान करेगा। अब चांदी के पाए के आपको लाभ क्या मिलेंगे, देखिए दूसरा भाव होता है परिवार का। तो पहली बात परिवार से लेके चलते हैं। परिवार में पीछे आपके साथ जो कलह का वातावरण बन रहा था, परिवार में आपके साथ किसी के साथ आपका तालमेल सही नहीं हो रहा था, चाहे वो पति है, चाहे वो भाई है, चाहे वो पत्नी है, या घर के और मेंबर हैं, भाई है, चाचा है, ताऊ है, जो भी रिश्तेदार हैं जिनको हम परिवार कहते हैं, उनसे आपका सही तालमेल पिछले जून से नहीं बन रहा था, 29 जून से। कारण क्या था, शनि बकरी अवस्था में थे और बकरी अवस्था में शनि ने आपको अच्छा प्रभाव नहीं दिया। उधर बृहस्पति भी शत्रु की राशि में तीसरे हाउस में बैठे हुए थे, तो शनि बकरी होने से ये समस्या आपके सामने उत्पन्न हुई। इधर राहु भी आपके लगन में बैठा हुआ है और शनि की 7.5 का पहला चरण भी मीन राशि पे चल रहा है। तो शनि जैसे ही 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, तो ये जो पोजीशन आपके साथ है, परिवार में जो घटना घटित हो रही थी, तालमेल नहीं बनना, ये सब आपका जो एक डिस्प्यूट था वो खत्म हो जाएगा और आपका अच्छा तालमेल 15 नवंबर के बाद बनना शुरू हो जाएगा। इसकी जो आखिरी लिमिट है वो है 30 मार्च। 30 मार्च 2025 तक शनि जहाँ बैठे हैं वहीं रहेंगे, मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 15 नवंबर से और 30 मार्च 2025 तक का जो आपका समय है 4.5 महीने का, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको मानसिक शांति देगा, सबके साथ एक प्यार का सौहार्द का वातावरण बनाएगा, वाणी आपकी इस दौरान शुभ रहेगी। पीछे आपकी वाणी भी ठीक नहीं थी, वाणी खराब होने से आपके बनते हुए काम सारे बिगड़ रहे थे। घर में बड़ी अनबन का कारण वाणी होती है। वाणी एक ऐसी चीज है कि जिसकी वाणी मधुर होती है उसकी कड़वी चीज भी बिक जाती है, और जिसकी वाणी खराब होती है उसकी मिठाई भी नहीं बिकती है, ये हमारे यहाँ कहावत है। तो ये सबके साथ चरितार्थ होती है, इसलिए वाणी का जो प्रभाव था वो ठीक नहीं था। लेकिन जैसे ही 15 नवंबर को मीन राशि में चांदी का पाया शुरू होगा, वाणी शुभ होगी आपकी, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके साथ बहुत ही अच्छा माहौल बने। ऐसे लोगों को सुखद लाभ मिलेगा, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, उच्च पद का आपको लाभ होगा। जो उच्च पद पर बैठे हैं उनको प्रमोशन के चांस मिलेंगे, जैसे IAS हैं, IPS हैं, बड़े राजनेता वगैरह हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अफसर हैं, और ये अपनी जो विद्वता से, ज्ञान से अपने अपने पदों पर सुशोभित हैं और उसके हिसाब से ये कार्य भी करते हैं, समाज के लिए अच्छे कार्य करते हैं, तो इनके लिए भी ये बहुत सुखद समय है ऐसे लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों से आपके संबंध बनाएगा चांदी का पाया,
कहीं कोई समस्या आती है, आप किसी नेता को फोन करेंगे, नेता जी मेरे साथ ये दिक्कत है, एक फोन करेंगे आपका काम हो जाएगा। कोई आईपीएस है, आईएएस ऑफिसर है, या कोई बड़े पद पर बैठा हुआ कोई अफसर है, कोई काम बिगड़ रहा है आपका, फरियाद लेके जाते हैं, आप हेल्प उससे मांगते हैं तो आपकी वो हेल्प करेगा। कहीं अगर उसने फोन भी करना हो तो फोन करके आपका काम करा देगा। तो इस प्रकार जो चांदी का पाया है ये आपके लिए मानसिक शांति देने वाला है। धन तो आपको देगा, क्यों, धन के भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है और दूसरे भाव में चंद्रमा वैसे उच्च का माना जाता है, तो धन तो आपको देगा, लेकिन धन के साथ साथ आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। और मित्रों सबसे बड़ी बात मानसिक शांति की होती है। शास्त्र भी कहते हैं कि चंद्रमा मनसो, जो हमारा चंद्रमा है वो हमारे मन जैसा है। अगर हमारा मन शांत नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मन में अशांति हो, भ्रांति हो, किसी प्रकार का हमारे भ्रम पैदा हो तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि राहु आपके लग्न में बैठा हुआ है आपको भ्रमित करेगा, शनि आपके बारहवें भाव बैठा है तो वो आपको परेशानियां देगा, दे रहा है, पीछे आप कई महीनों से परेशान हैं, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ में कोई धोखा हो रहा है, आपका धन का नुकसान हो रहा है आपके लिए, और कोई मीडिया के द्वारा ऑनलाइन के द्वारा आपके साथ लोग धोखा कर रहे हैं, आपके धनहानि करा रहे हैं। तो ये जो परेशानियां आपके सामने आ रही थी ये परेशानियां 15 नवंबर के बाद आपकी समाप्त हो जाएंगी। और कोई षड्यंत्र भी आपके साथ कर रहा था, परेशानियां बढ़ती जा रही थी, कोई उसको रुकने का नाम नहीं ले रहा था, पति पत्नी का विवाद बीच में चल रहा था, घर में कलह हो रहा था, चोरी फ्रॉड गुप्त बीमारी कोई आपको महसूस हो रही थी, आप चेक कराते थे कहीं मैक्सरा करा रहे हैं, कहीं उसका और कुछ चेक करा रहे हैं, कोई बीमारी सामने नहीं आ रही, रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आती है। तो ये जो भ्रम की स्थिति थी, ये भ्रम की स्थिति आपकी 15 नवंबर के बाद, क्योंकि शनि उल्टी चाल चल रहा था और राहु भी शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहा है और शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो जब ये दोनों ग्रह आपको भ्रमित करेंगे तो बहुत कुछ आपके सामने की नेगेटिव चीज सामने आती है और उससे आपको परेशानी होती है। लेकिन अब ये सब नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, तो शनि जैसी मार्गी होगा, राहु की चाल सीधी होगी और शनि की चाल भी सीधी हो जाएगी, और जब दोनों की चाल सीधी होगी तो इधर बृहस्पति भी आपको बढ़िया परिणाम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपका तीसरे भाव में बैठा हुआ है और तीसरे भाव का जो बृहस्पति है वो भाग्य भाव पर पूर्ण रूप से दृष्टि डालता है, और जब पूर्ण रूप से दृष्टि डालता है तो आपको भाग्य की सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, भाग्य आपका पूर्ण रूप में आपके साथ होगा, कोई भी समस्या आपके सामने खड़ी होती है तो भाग्य के द्वारा वो दैवीय शक्ति आपको प्राप्त होगी, तो समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। विवाह शादी के संबंध बात नहीं बनती थी, बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, शादी विवाह की बात आपकी बनना शुरू हो जाएगा, बात हो गई पक्की हो गई, फिर ना हो जाती थी वो सब चीज़ खत्म हो जाएगी। 15 नवंबर के बाद आपके शादी विवाह संबंध पक्के होंगे। लव रिलेशन के मामले में थोड़ा समय ठीक नहीं बैठ सकते, क्योंकि मंगल नीच का बैठा हुआ है आपका, और मंगल जो नीच का होता है तो वो थोड़ा सा लव रिलेशन के मामले में, प्यार मोहब्बत के मामले में, तो ये कपल्स के लिए ठीक नहीं माना जाता है, तो इसे थोड़ा आपको उसे बच के रहना पड़ेगा। भाग्य पूर्ण रूपेण आपके साथ होगा ऐसा हम आपसे कह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य के ऊपर है। इधर शनि महाराज भी आपके जो सेकंड हाउस में दृष्टि डाल रहा है, तो शनि जैसे मार्गी होगा तो उसकी डिग्री बढ़ेगी, डिग्री बढ़ेगी तो उसकी जो नीच दृष्टि होती है 20 डिग्री तक वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद शनि आपको धन दान की वृद्धि कराने वाला बनेगा। नीच दृष्टि तो सिंह मेष राशि में ही रहेगी, लेकिन जो नीच की जो डिग्री होती है उससे ऊपर निकलेंगे शनि तो आपको धन धान से लाभ कराएंगे, परिवार में सुख शांति देंगे, तनाव खत्म कराएंगे, आपका वाणी भी आपकी मधुर होगी, सारे काम आपके बटा शुरू हो जाएंगे। तो 15 नवंबर से लेकर के और 30 मार्च 2025 तक का जो समय है ये आपके लिए बहुत ही हम कह सकते हैं शानदार जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है। मीन राशि की जो जातक हैं ये दिमाग में तनाव, मानसिक तनाव, परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। भूमि का, वाहन का आपको लाभ होगा, वाहन का लाभ होगा, आप विदेश जाना चाहते हैं विदेश जा सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज आपके विदेश भाव में अपनी राशि में विपरीत राजयोग बना के बैठे हैं आपके लिए, और 15 नवंबर के बाद में उस विपरीत राजयोग का भी आपको लाभ दिखाएगा। इधर जो शनि महाराज हैं ये विदेशों से आपके संबंध बनाएंगे,
किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, बोर्ड का, स्पोर्ट का, ट्रेडिंग का, उसमें आपको लाभ मिलेगा। शनि कर्म के कारक भी है, तो कर्म के कारक होने का मतलब है कि आपका जो काम है, जो प्रोफेशन है, वो कोई भी आप काम करते हैं, आप पंडित का कार्य करते हैं, टीचर हैं, या आपका कोई ब्याज बट्टे का काम है, जैसे ब्याज वाले काम होते हैं, तो बृहस्पति की राशि है दशम भाव में, तो फाइनेंस का काम, धन संबंधी काम ऐसे भी हो सकते हैं आपके, पांडित्य कर्म हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं आप, जज हो सकते हैं, और किसी ऊंचे अफसर हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, काम कोई भी हो आपका, उस काम में शनिदेव आपको तरक्की देंगे। तो व्यापार करते हैं तो व्यापार में तरक्की मिलेगी, क्योंकि दशम भाव बृहस्पति का है और सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है व्यापार भाव पर, तो व्यापार आपका अच्छा चलेगा। इसके बाद अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो जो जॉब की नौकरी की जो पोजीशन पीछे आपकी खराब हो रही थी, वो भी आपकी बनना शुरू हो जाएगी। नौकरी नहीं थी तो मिल जाएगी, है तो प्रमोशन मिलेगा आपको, ट्रांसफर चाहते हैं ट्रांसफर आपका मन पसंद हो सकता है आपका। तो कुल मिलाकर के ये जो समय 15 नवंबर से 30 मार्च तक का है, ये मीन राशि वालों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और मील का पत्थर आपके जो पुराने दुख दर्द परेशानी सबको खत्म कर देगा, और 30 मार्च के बाद एक नया अध्याय लिखा जाएगा कि शनि की साढ़े साथी शनि देव खुद आपके मीन लगन में आपके विराजमान हो जाएंगे। और मित्रों आपको एक बात बता दूं, जब ये समय आएगा तो हम भी इसका वीडियो बनाएंगे आपके सामने कि शनि जब लग्न में आएंगे तो दूसरा चरण शुरू होगा मीन राशि के ऊपर, लेकिन उस समय शनि बृहस्पति के घर में बैठ के आपको नुकसान नहीं करेंगे, याद रखना इस चीज को, क्योंकि बृहस्पति के घर में शनि झुकता है, और बृहस्पति की राशियों में चाहे वो धनु राशि हो चाहे उसकी मीन राशि हो, उसमें कम नुकसान करता है अपने साढ़े साथी के दौरान। तो ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है, 15 नवंबर के बाद सभी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। अब आपको कुछ उपाय बताते हैं, अगर फिर भी इसके बाद भी अगर आपको दिक्कतें आती हैं तो शनि और राहु का अपने एक मिश्रित उपाय करना है, कंबाइंड उपाय बता रहा हूँ आपको, दोनों का मिला के कॉमन है, आप उपाय करिए तो शनि से और राहु से आपको राहत मिलेगी। मित्रों हमारा चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये धर्म का, आध्यात्मिक का, ज्योतिष का चैनल है, वास्तु का चैनल है, हम लोग स्टोन भी डील करते हैं, हर तरह के स्टोन का भी चैनल है। तो अगर आपको ज़िंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो हमारे चैनल पर हमारा नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का भी है, और बात करने के दोनों तरह से आपको काम आएगा। व्हाट्सएप पे अगर आपको परेशानी है ज़िंदगी में तो अपनी जन्मतिथि भेजिए और करवाइए अपने कुंडली का विश्लेषण, फ्री सेवा नहीं है, विश्लेषण के चार्ज देना आपको पड़ेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं तो कुंडली का विश्लेषण बहुत ज़रूरी है, महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, आपके सामने तभी आएगी जब आप विश्लेषण कराएंगे। सटीक और सरल उपाय आपको हमारे संस्थान से प्राप्त होगा, हर प्रकार के जेम स्टोन हमारा संस्थान प्रोवाइड करता है, हर प्रकार के जो स्टोन है उसको आपको गारंटी के कार्ड के साथ में लैब टेस्ट करा के रिपोर्ट के साथ वाजिब कीमत पर उच्च क्वालिटी के शुद्ध रत्न आपको प्रोवाइड कराता है। हमारे संस्थान से आपको कोई पूजा पाठ कराना है, ऑनलाइन हर प्रकार की पूजा पाठ की सुविधा है, चाहे आप रुद्राभिषेक कराइए, काल सर्पों की शांति कराइए, मांगलिक दोष की शांति कराइए, किसी प्रकार के जाप कराइए, किसी प्रकार का भी हवन पूजा पाठ आप करा सकते हैं, ऑनलाइन सारे काम की फैसिलिटी आपको मिलती है। बात करते हैं शनि और राहु के एक मिश्रित उपाय की, आपने चावल का आटा लेना है, उसको घी के अंदर भून के और थोड़ा उसमें काले तिल मिलाने हैं, थोड़े से उसमें चीनी डालने हैं या बूरा डालना है, और दूध के अंदर उसकी छोटी छोटी आपने गोलियां बनानी है। चावल का आटा घी में भूनना है, काले तिल डालने हैं इसमें, थोड़ा मिष्ठान डालना है, बूरा या चीनी पीस के डालनी है, और काले तिल डाल के उसको, और थोड़ी सी अगर आप कर सकते हैं तो जो उड़द आती है काली उसको भी पीस करके थोड़ा सा उसका भी इसमें आटा मिला दीजिए, उसकी आप दूध के अंदर मिला करके जैसे रोटी बनाते हैं छोटी छोटी गोलियाँ बनाइए आटा खड़ा करके, और गोली बना के उनको सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद आप हर शनिवार को एक मुट्ठी भर के गोली लेके जाइए, जहाँ किसी नदी में किसी तालाब में मछली रहती हो उन मछलियों को वो गोली आप चुवाइए
उन मछलियों को भोजन आप कराएंगे, एक मुट्ठी जो भोजन है वो आपको इतना लाभ देगा कभी आपने जिंदगी में सोचा नहीं होगा। हर शनिवार को उपाय आपने करना है, जैसे आपका राहु और आपका शनि दोनों आपको भ्रमित होने से बचाएंगे और आपके साथ जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है आपको उसको निकाल के नेगेटिविटी दूर करके आपको सही रास्ता प्रोवाइड कराएंगे। शनि और राहु इनके लिए हम ऐसा कह सकते हैं, अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको इनसे दोनों ग्रहों से लाभ होगा। प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।